गंज में लॉकडाउन में अलविदा और ईद के मद्देनजर थाना परिसर में एक पीस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें एसडीएम कुमार धर्मेंद्र ने सभी से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। अलविदा और ईद की नमाज, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा। दुकानदारों को रोस्टर के आधार पर दुकानें खोलने को कहा। साथ ही सभी से कहा कि मास्क का उपयोग जरूर करें, बिना मास्क वाले ग्राहकों को सामान न दें। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड के सभासद जो बाहर से आने वाले प्रवासियों पर नजर रखेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता माजिद हुसैन जैदी, एडवोकेट शारिक खान, बीजेपी वरिष्ठ नेता विनोद गुप्ता, संतोष गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य नीरू सिंह सागर, भटपुरा ब्लॉक प्रमुख व समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गंगवार, रिछोला किफायत तुल के प्रधानपति मोहम्मद सलीम अंसारी सहित गांव के कई ग्राम प्रधान व बीडीसी सदस्य मौजूद रहे। नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। ये ईद के संबंध में बुलाई गई थी मीटिंग। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो भी दिशा निर्देश आपको मिले अभी तक उसका अनुपालन करिएगा, क्योंकि इस समय रोजा इफ्तारी का समय हो रहा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं अधारड़ी उप जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूँगा कि अपने आशीर्वचन दें आप। धन्यवाद सीओ साहब। देखिए, ज़्यादातर बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी लोग बाहर से आए हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं, सभासदगण हैं, चिकित्सकगण हैं, व्यापार मंडल के सदस्य हैं, अधिवक्तागण हैं, मीडिया के बंधु हैं, सभी लोगों का इस मीटिंग में स्वागत है। ज़्यादातर बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो केवल मैं आपको पांच मोटी मोटी बातें बताऊंगा इस मीटिंग जिस पर्पस से बुलाई गई थी और जिसके लिए बुलाई गई थी। सबसे पहले तो ईद जितने भी सांस्कृतिक, सामाजिक, सोशल जितने भी कार्यक्रम हैं, जुलूस हैं, जो भी गैदरिंग से संबंधित हमारे चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, किसी भी तरह के जो भी जिन चीज़ों में गैदरिंग होती है, वो सब निश्चित है। जैसा चलता आ रहा था पिछले दो महीने से वैसा ही चलेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। छह चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कोई चेंज नहीं किया गया है, जो आप लोग अखबार के माध्यम से पढ़ते होंगे, तो उनमें से ये भी एक है। सांस्कृतिक, सामाजिक जितने भी तरह के कार्यक्रम हैं वो प्रतिबंधित हैं। जैसा चलता रहा है वैसा ही चलेगा। तो ईद की नमाज आप लोग घर से ही अदा करेंगे, ठीक, इसमें कोई बदलाव नहीं है। दूसरा, जो आज नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसके संबंध में दुकानें, औद्योगिक गतिविधियाँ हमारी चालू हो गई हैं, बट उनमें कुछ शर्तें रखी गई हैं कि आप सामान तभी बेचेंगे जब कोई सामान लेने वाला जो आ रहा है उसने मास्क लगा रखा हो। आपकी दुकान तभी खुलेगी जब आपने भी मास्क लगा रखा है, सैनिटाइज़र आपने दुकान पर रखा हुआ है और आपकी दुकान पर भीड़ नहीं है। अगर आपकी दुकान पर भीड़ लगती है तो आपकी दुकान तत्काल बंद करवा दी जाएगी। फिर ये जो गाइडलाइंस हैं आप पर लागू नहीं होती हैं, ये विशेषकर ध्यान देना है आपको। सभी तरह की गतिविधियां चालू हो गई हैं, किसी चीज़ की कोई परमिशन लेने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो कोरोना है उसके विषय में आप लोग अब जागरूक हो चुके हैं। पिछले दो महीने से हम इस महामारी को झेल रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं किस तरह उसमें बचाव करना है। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि छोटे बच्चों को और बुज़ुर्गों को, इनको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, तो ये घर से कम निकलें। और दूसरा जो है, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सारी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं, किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी इसमें। जो हमारा लॉकडाउन पहले संपूर्ण था, इसमें सारी चीज़ें परमिशन लेके होती थी, कोई भी गाड़ी या कोई इसको आज जाना है आना है, कोई भी दुकान खोलनी है, परमिशन से होता था, तो वही प्रतिबंध शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, आवश्यक कार्य हैं, वही होंगे। इसके अलावा सारी गतिविधियाँ शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी। आप लोग अपनी दुकान शाम को 6 बजे बंद कर देंगे, जिससे कि 1 घंटे में आप घर पर पहुंच सकें 7 बजे तक, ठीक है। किसी को इस तरह पुलिस अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेगी, इस चीज़ के निर्देश दिए गए हैं, बट आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। शाम को 7 बजे तक आप अपने घर पहुंच जाएं। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर मैं बात करना चाहता था, बट समय बहुत हो गया है, तो संक्षेप में बस आपको बताऊँगा, चूँकि आप लोग बड़ी दूर दूर से आए हैं और अच्छा मौका है मेरे लिए कि मैं आपको ये जानकारी दूँ। सबसे पहले एक निगरानी समिति का गठन किया गया है, हमारे गांव में किया गया है, शहरी क्षेत्रों में भी किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान इसके अध्यक्ष हैं, आशा आंगनबाड़ी इसके सदस्य हैं,
शहरी क्षेत्र में संबंधित सभासदगण जो हैं, सभासद जो हैं वो इस मोहल्ले के वार्ड के अध्यक्ष हैं, आशा आंगनवाड़ी सफाई कर्मी संबंधित उसके सदस्य हैं। निगरानी समिति का मेन उद्देश्य क्या है? तहसील नवाबगंज में क्वारंटीन सेंटर बना हुआ है राजश्री और ए टू जेड, तो जितने लोग दूसरे प्रदेशों से दूसरे जनपदों से आ रहे हैं हम उनको एक प्रमाण पत्र देकर उनकी जांच करकर प्राथमिक जांच करकर एक प्रमाण पत्र देते हैं उनको, इनमें कोई किसी तरह का लक्षण नहीं है, 21 दिन तक इनको घर पर रहना है। तो जितने हमारे प्रधानगण यहाँ आए हुए हैं, जितने सभासदगण आए हुए हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपने गाँव में अपने वार्ड में इस समिति का गठन किया गया है, जितने लोग बाहर से आ रहे हैं आप उनको सूचीबद्ध कर लें, एक रजिस्टर में उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, वो कहाँ से आए हैं, किस तारीख को आए हैं, ये दर्ज कर लें। उसके बाद अपने आशा आंगनबाड़ी या आपका जो भी कर्मचारी है उसके माध्यम से उसके घर पर एक नोटिस चस्पा कर दें कि इस घर में इतने व्यक्ति फलां तारीख को आए हैं, जिनको आने वाले 21 दिन तक घर में ही रहना है, होम क्वारंटीन रहना है। और आप लोग अपने आशा और आंगनवाड़ी के माध्यम से ये सुनिश्चित कराएंगे कि प्रतिदिन उनकी जांच की जाए, आपका आशा कार्यकर्ती आंगनवाड़ी उसके घर पर जाएं और दरवाजे पर जाकर, ये नहीं कि उसके घर पर जाना है अंदर जाके बैठें, अंदर में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग दरवाजे पर जाकर ही उनसे हालचाल पूछेंगे उनका कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई किसी तरह का लक्षण तो नहीं है। उसके बाद आपने जो नोटिस चस्पा किया है उस पर आप अपने हस्ताक्षर बनाएंगे और तारीख डालेंगे, जिससे हमें देखने में समझने में सहूलियत हो कि आप लोग दो रोज जाकर उनकी जांच कर रहे हैं। अगर किसी तरह का कोई लक्षण, किसी तरह किसी को कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई समस्या आती है, खांसी जुकाम कुछ भी होता है, तो आप तत्काल उसकी जानकारी तहसील लेखपाल के माध्यम से हमको या थानेदार को, इंस्पेक्टर साहब को, डॉक्टर साहब को, जो भी संबंधित आप जहाँ दे सकते हैं आप देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आता है कि साहब कोई लक्षण है, तो हम उसकी बाकायदा सैंपल लेकर उसकी जांच कराएंगे, जिससे कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से हमारे बीच संक्रमण ना फैले। अभी तक नवाबगंज सौभाग्यशाली है कि हमारे बीच कोरोना का कोई भी केस अभी तक नहीं आया है, तहसील नवाबगंज इससे अभी बची हुई है। मुझे लगता है जिले की बाकी तहसीलों में शायद ही कोई तहसील बची हो, सब जगह कोई ना कोई केस आ चुका है, हम लोग अभी इससे अछूते हैं। तो हमें ये केवल आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है, तो आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा तो आशा करते हैं कि हम इससे बचे रहेंगे। शहरी क्षेत्र में भी सभासदगण हमारे यहाँ, मैंने कुछ लोग आए हैं, उनकी मैं कल अलग से भी मीटिंग बुलाऊंगा, तो इसमें आप लोग अपने सफाई कर्मचारी के माध्यम से चिन्हित कर लीजिए कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, उनका रजिस्टर बना लीजिए। और इसमें किसी तरह के पैनिक की आवश्यकता नहीं है, बाहर से लोग दो तरह से आ रहे हैं, या तो आपका क्वारंटीन सेंटर के माध्यम से आ रहे हैं जो हम भेज रहे हैं, जो लोग हमारे पास आते हैं प्रमाण पत्र देकर, एक राशन की किट देकर, उनकी सारी सूचना हम रजिस्टर में दर्ज करने के बाद उसे भेजते हैं, या हो सकता है कि वो अपने आप आ रहे हैं, कुछ लोग अपने वाहन से रात को चुपके से आ गए, दिन में चुपके से आ गए, किसी तरह से आ गए, तो उनको लेके भी किसी तरह का पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं आप उनकी सूचना प्रशासन को दीजिए, थाने पर दीजिए, रजिस्टर में उनको दर्ज करिए, उनके घर पर एक नोटिस लगाइए, 21 दिन तक उन्हें होम क्वारंटीन में रखना है। कोई भी किसी तरह की दिक्कत है आप तत्काल हमसे संपर्क करिए, हम उनकी जाँच कराएंगे, ठीक। बट मेनली यही है कि उन्हें 21 दिन तक घर पर ही रखना है, कोई लक्षण आएगा तो उनका सैंपल लेके जांच करी जाएगी, अन्यथा प्राथमिक जांच उनका टेम्परेचर जांच करके की जाती है, कोई इसको कोई बुखार तो नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, तो वो आप CSC के माध्यम से भी करवा सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। प्रधान कितने लोग आए हैं? प्रधान